अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऑगस्ट कॉम्टे, ये नाम याद रख लें, बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है। इस आदमी ने सोशियोलॉजी का लफ्ज़ दिया है। ये पैदा हुआ था 1798 में और 1857 में मर गया था। 1857 की तारीख़ याद करना है इंडिया का। मैं आपको पता है, इंडिया में अंग्रेज़ों ने हमसे जंग लड़ी थी गदर की ना, 1857। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इंडिया से, लेकिन मैं याद कराना चाह रहा हूँ कि 1857 में दो वाक़े हुए। इंडिया में एक जंग हुई और ये फ्रांस का आदमी था ऑगस्ट कॉम्टे, ये मर गया था। ठीक है ना, अलग अलग ताल्लुक इनसे कुछ भी नहीं है। याद कराने के लिए आपको मैंने बताया 1857, ताकि आपको याद हो जाए। टोटल इसकी उम्र 59 ईयर्स का था। ये इसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया, पॉजिटिविज्म, POS, पॉजिटिव ISM लिखते हैं, पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया। और उसने ये बताया कि सोशियोलॉजी को समझने के लिए आपको मैं कोड दे रहा हूँ, HOCE, होस से समझिए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी को समझने के लिए HOCE। एच क्या? हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड इस्तेमाल करें। ओ से क्या? ऑब्जर्वेशन का से देखें। सी से कंपैरिजन, री से एक्सपेरिमेंट। इस चार चीज़ों से, HOCE से आपको सोशियोलॉजी समझ में आएगी। चार चीज़ें याद रहेंगी, HOCE, ठीक है ना। ये कहता है, कॉम्टे कहता था कि एजुकेशन जो है ये वाज़े फ़र्क पैदा करती है इंसानों के दरमियान। एजुकेशन पे बहुत फोकस करता था। और औरत के लिए इसने कहा कि औरत का जो मेन किरदार है, औरत मेन किरदार है एक फैमिली के अंदर। वाकई मानता हूँ, मैं हज़रत बिल्कुल मानता हूँ, बीबी खदीजतुल कुबरा को, जो हज़रत रसूल खुदा की बीवी थी, और हज़रत फ़ातिमा जहरा का एक बहुत बड़ा किरदार है, और करबला में बीबी जैनब का बहुत बड़ा किरदार है, आप देखिए, और जनाब मरियम का बहुत बड़ा किरदार है, जनाब हाजरा का, जनाब आसिया का बड़ा एक किरदार रहा है हिस्ट्री में। तो ये सब बुज़ुर्ग औरतें हैं, कुछ मुलमुमिनीन हैं, कुछ खातून जन्नत हैं, ठीक है ना। तो औरत का बड़ा किरदार रहा है, ठीक है। सेंट जॉन बहुत बड़ा नाम है आपके सामने, पता है। लेकिन इसमें सेंट जॉन की बात करें तो उसमें देखिए, सेंट जॉन पॉलिटिक्स में गई, उसके बाद उसके साथ हशर, बुरा हशर हुआ। तो ये कहता था ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा कि औरत को सियासत से दूर रखें, और जो औरत का जो किरदार है वो एक अच्छी माँ, अच्छी बेटी और अच्छी बीवी का होना बहुत अहम किरदार है। बीवी, बेटी और माँ, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फैमिली के को बिल्ड करना एक औरत के हाथ में होता है, ये ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है। तमाम औरतें जो ये घर की से लापरवाही बरतती हैं और सोचती हैं नौकरी कर लें, हम पॉलिटिक्स में आ जाएं, तो उनको ऑगस्ट कॉम्टे का मैसेज है कि वो कहते हैं पहले घर में बीवी, माँ और एक अच्छी बेटी बने, और घर की परवरिश में, नॉरिशमेंट में, फॉस्टरिंग में, अपब्रिंगिंग में औरत का किरदार बड़ा अहम है, मर्द से ज़्यादा अहम है। तो इनका कहना था कि औरत का किरदार एक के बगैर सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकती। औरत अहम हैसियत रखती है। औरत को गुलाम समझना, कनीज समझना, लॉन्डी समझना, और उसके साथ बुरा सलूक करना, उसके साथ उसके लिए उसको सेक्स के लिए इस्तेमाल करना ही गलत है। वो एक मदर, एक डॉक्टर और एक वो वाइफ के तौर पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अब वो माएँ जो आजकल बाप पे कह देती हैं, फादर पे, वे फादर पढ़ाएगा, फादर ये करे, तो ऑगस्ट कॉम्टे ने ये कहा कि नहीं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मदर, बिकॉज शी नॉरिश, शी फॉस्टर, शी अपब्रिंग, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा, ठीक है। थैंक यू।